हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी दही चीला, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप सूजी डालेंगे। फाइन सूजी भी ले सकते हैं, एंड अगर आप मोटे दाने वाली सूजी है तो उसको एक राउंड मिक्सर में आप मिक्स करके ग्राइंड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमें एक कप सेम कप से दही लेना है, सेम मेजरमेंट का। उसके बाद वो दही आपकी कोई थिक भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थिक दही ही यूज़ करना है। पतली वाली दही रहेगी जिसमें थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको क्या करना है, इस स्टेप में हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। देन उसके बाद आपको पता है कि सूजी काफ़ी ज़्यादा पानी एंड सोक करती है, तो इसलिए हमें इसको पहले मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखना है। फिर उसके बाद हम उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, अगर वो थिक और काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुकी रहेगी तो उस टाइम पे हम उसके अकॉर्डिंग पानी का ऐड करेंगे जितना हमें इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी मैंने 10 मिनट्स कवर करने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज अनियन लेंगे, उसको चॉप करके डालेंगे। देन कैप्सिकम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो हाफ कैप्सिकम भी कट करके डाल सकते हैं और फुल कैप्सिकम भी ले सकते हैं। एंड सेम विद चिली, मैंने यहाँ दो चिली लिया है। देन हमारी छोटी वाले राई दाने की आती है मस्टर्ड सीड्स, वो आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो मैं मस्टर्ड सीड ज़रूर यूज़ करती हूँ। देन मैंने पिंच ऑफ हल्दी लिया है, वो डाला है। एंड यहाँ पे आपके जो ये सारे स्पाइसेस हैं वो ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं एंड ये सब यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट, एंड थोड़ा सा चिली पाउडर लिया है, वो भी आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। देन अगेन अभी सब कुछ डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। अभी यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। एंड इवन इस स्टेज पे भी हमारी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, धीरे धीरे इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे। एक बार में पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी पतला हो जाएगा हमारा बैटर, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। आप देखो मैंने इसमें एक थोड़ा सा आई थिंक हाफ कप पानी डाला है, देन अगेन पानी डाला है। तो अभी इसमें पानी डालने के बाद हम बार बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। एंड ये यस, धनिया भी हम इसमें डालेंगे, धनिया से भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखो ये पूरा बैटर रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी इसी अकॉर्डिंग रहेगी। और मैं मुझे थोड़ा ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक चीला पसंद है, मैं इतना मीडियम चीला ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे से वो कुक भी होता है। अभी जब जहाँ आपको इमीडिएट बनाना होगा, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक पिंच ऑफ सोडा लोगे, वो डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे पानी डाला है वो आप डाल के उसको मिक्स कर देंगे। देन एक पैन लेंगे, उस पर हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। उसके ऑयल डालने के बाद, हीट होने के बाद, उस पर हम क्या करेंगे, अपना चीला का बैटर एक स्पून के हेल्प से, बड़े स्पून के हेल्प से हम उस पर चीला का बैटर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से इक्वली, सो दैट वो एवरी वेयर कुक हो जाए और कहीं से भी कच्चा ना रहे। एंड यस, चीला को पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इवन जल्दी पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसको कवर करके पकाएं। उससे क्या होता है, चीला अच्छे से हर तरफ पकता है एंड जल्दी भी पकता है। अदरवाइज़ अगर हम ओपन करके इसको पकाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा। अभी आप देखो ये चीला एक साइड से कुक हो गया है, अभी मैं सेकेंड साइड भी कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो, मैं जनरली क्या करती हूँ, एक साइड कवर करके कुक करती हूँ एंड सेकेंड साइड जो होता है ना वो मैं ओपन करके कुक करके उसका जो फ्लेम होता है ना मीडियम हाई पे फ्लेम करती हूँ। एंड फर्स्ट साइड जब हम कुक करते हैं उस टाइम हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं, तो अभी सेकेंड साइड और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। अभी आप देखो ये कितने अच्छे से कुक हो गया है, एंड आप इसको हल्का हल्का प्रेस करोगे ना तो ये थोड़ा सा फुलेगा हमारी रोटी की तरह। तो
और ज़्यादा अच्छे से इसमें कुक होगा। अभी मैं वैसे ही सेकेंड चीला भी बना लूँगी जैसे हमने फर्स्ट बनाया है, ऑयल स्प्रिंकल किया, देन अगेन मैंने स्पून की हेल्प से बैटर इसमें डाला है एंड इवेनली स्प्रेड कर दिया है। इसको भी हम फर्स्ट साइड से क्या करेंगे, कवर करके कुक करेंगे, फिर अगेन लो मीडियम फ्लेम पे हम फर्स्ट साइड से कुक करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम जब हम फ्लिप करेंगे तो मैं उसको मीडियम हाई फ्लेम पे ओपन करके कुक करूँगी, उससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे ही मैंने सेकेंड चीला भी अपना बना के रेडी कर दिया है एंड इसको आप चाहें तो ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस एंड मेयोनीज किसी के साथ भी आप खा सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा क्विक एंड ईजी नाश्ता होता है। जब कुछ भी ना समझ में आए तो दही है ही हमारे घर में एंड सूजी भी रहता है, तो हम इजीली इसको आई थिंक विद इन अ मिनट हम डिसाइड करके इसको बना सकते हैं एंड इंजॉय करिए। एंड ये बहुत अच्छे से कुक भी हो गया है, सो आई थिंक आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा ये